हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अमेज़न पे के थ्रू अपने मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं और साथ ही में यहाँ से बहुत अच्छे कैशबैक ऑफर भी पा सकते हैं और मुझे क्या कैशबैक इसमें मिल चुका है और आज रिचार्ज करने पर क्या कैशबैक मिला वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो भाई चैनल में आपका आने के लिए स्वागत है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपके मोबाइल में ये अमेज़न ऐप होना चाहिए। जिनके पास अमेज़न ऐप नहीं है मैं यहाँ आपके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको 75 रुपये का कैशबैक आपके अमेज़न के अकाउंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे हमें अपने मोबाइल का रिचार्ज करना है तो रिचार्ज करने के लिए सबसे आपको करना क्या है, आपको अमेज़न पे की ऑप्शन में जाना है। तो अमेज़न पे की ऑप्शन में क्लिक कर दिया मैंने। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करना है। तो मोबाइल रिचार्ज पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। देन उसके बाद में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी मोबाइल नंबर हो आप यहाँ पर पे कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, सपोज़ ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये सपोज़ एक मोबाइल नंबर आ गया। अब यहाँ पर मैं जो है इसका कोई भी सर्विस है, एयरटेल, BSNL, जियो, कोई भी सिम है आपकी, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, आपका जो भी सर्कल है वो सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। देन इसके बाद में यहाँ पर व्यू प्लान्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर जो भी प्लान्स चल रहे होंगे देखिए यहाँ पर आ जाएंगे। अब सपोज़ आपको यहाँ पर 179 के प्लान पर आपको रिचार्ज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर 179 ऐड हो गया। फिर उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने जो है कंटिन्यू किया तो अभी कुछ सर्वर का इशू चल रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको आगे करना क्या हो। जैसे आप आगे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के साथ ही आपको वहाँ पर जो है आपको अपने UPI अकाउंट में चला जाएगा। जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा, जैसे आप मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो मोबाइल UPI का अकाउंट दिखाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपने मोबाइल पर कि कैसे आएगा। अब यहाँ पर मैंने सपोज़ कंटिन्यू कर दिया है, अभी कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको गूगल पे पर दिखा देता हूँ कैसे आएगा। ठीक है, ये मेरा भी गूगल पे का अकाउंट खुल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है आज, तो ठीक है ये खुल गया। अभी देन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सपोज़ मैं आपको यहाँ पर मैंने क्लिक किया भी बैलेंस पर, अब देखिए ये चीज़ है मैं आपको जो बताने जा रहा था कि जहाँ पर जब वो रिचार्ज अमाउंट डालकर आप कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू होने के बाद आपके साथ में ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपने अपने UPI अकाउंट पर देखा होगा। देन उसके बाद में अपना जो भी आपका पिन है वहाँ पर आप एंटर करके ओके कर दीजिएगा और थोड़ी देर के प्रोसेसिंग के बाद आपके मोबाइल का रिचार्ज हो जाएगा और रिचार्ज होने के साथ ही आपको जो है यहाँ पर कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, अब रिचार्ज जैसे आपका हो गया, रिचार्ज होने के साथ ही अब यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको जो आज मैंने अपना मोबाइल का रिचार्ज किया और रिचार्ज करने पर मुझे यहाँ पर 30 रुपये का कैशबैक मिल गया। ठीक है, 30 रुपये का कैशबैक यहाँ पर देखिएगा, अगर आप अदर ऐप्स यूज़ करते हैं तो आपको इतना बड़ा अमाउंट नहीं मिलता है किसी में भी, लेकिन यहाँ पर 30 रुपये का मुझे कैशबैक मिल गया। प्लस यहाँ पर देखिए ऊपर तो 1118 रुपये तक का कैशबैक अभी मुझे यहाँ से मिल चुका है। तो बहुत ही अमेजिंग ऐप है दोस्तों, बहुत ही आसानी से यहाँ पर पेमेंट स्टक भी नहीं होती है, प्रोसेसिंग में भी नहीं जाती है और रिचार्ज भी इंस्टेंट उसी समय हो जाता है। तो जिनके पास ऐप नहीं है भाई, यहाँ से मैं आपको अमेज़न पे का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। 75 रुपये का कैशबैक आपको अमेज़न पे बैलेंस में मिल जाएगा, जब आप रिचार्ज करेंगे तो वो 75 रुपीस आपके अमाउंट से माइनस हो जाएंगे, तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पता चल गया होगा कि अभी आपको अमेज़न पे से रिचार्ज कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता चला, कोई किसी प्रकार का मन में डाउट आ रहा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, तो आपको मैं वहां पर भी रिप्लाई दे करके और बता दूंगा कि कैसे करना है। और आपको कोई चीज़ की और दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट करके बताएँ, मैं उस पर भी वीडियो बना करके आपको दे दूँगा।
तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच दोस्तों।